हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान लेकिन इतनी डिलीशियस रेसिपी ना कि आप इसे बार बार बनाएंगे, सीजन में एक बार तो ज़रूर ही बनाएंगे आप, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। तो आज हमने बनाया है कटहल बिरयानी, जो कि हमने प्रेशर कुकर में तैयार किया और साथ ही बहुत ही आसान रेसिपी। एक बार आप ज़रूर ही ट्राई करें अपने मनपसंद सैलेड, रायता या चटनी के साथ। इतनी डिलीशियस लगती है ना कि जो भी खाएंगे आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। आपने कटहल की सब्ज़ी तो बहुत बनाई होगी, एक बार बिल्कुल आसान तरीके से बनाइए कटहल बिरयानी। तो चलिए आइए बनाते हैं आज हम कटहल बिरयानी, वो भी प्रेशर कुकर में। साथ ही मैं इतनी आसान तरीका बताऊंगी ना कि आप एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट बना पाएंगे हमारी इस पूरी वीडियो को देखकर। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम कटहल और इसे छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। और अब मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ दही, बिल्कुल घर की फ्रेश दही ऐड करें। साथ ही मसाला हमने ऐड किया है 1 चम्मच जिंजर गार्लिक और गरम मसाले का पेस्ट। साथ ही हमने ऐड किया है टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच बिरयानी मसाला और स्वाद के अनुसार नमक। दही आप उतनी ऐड करें जितने में आपका कटहल अच्छे से मैरिनेट हो जाए। हम इसको रखते हैं साइड, चलते हैं आगे की प्रोसेस में। यहाँ पे हमने लिया है प्रेशर कुकर, इसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है 3 बड़े चम्मच और साथ ही हमने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं। मसाले में आप ऐड कर सकते हैं दालचीनी और लौंग, इलायची, काली मिर्च और साथ ही हमने कुछ खड़े मसाले भी ऐड किए हैं, जैसे जीरा, सौंफ और कोरिएंडर सीड्स। उसके पकते ही हमने बिल्कुल इक्वल अमाउंट में प्याज ऐड किया है। जितना आप कटहल लें उतना ही प्याज लें और प्याज को अच्छा गोल्डन फ्राई कर लें। उसके साथ ही मैरिनेट किया हुआ हम कटहल ऐड कर देंगे और हमें अब इसे भूनना है जब तक कि मसाले से ऑयल ना सेपरेट हो जाए। यहाँ पे मैं 1 ग्लास चावल ली हूँ, बिल्कुल बासमती राइस ही लें जो कि हम बिरयानी में यूज करते हैं। इसे वॉश कर अब हम कटहल में से ऐड कर देते हैं और इसे भी अब हमें कटहल के साथ बिल्कुल गोल्डन होने तक भूनना है। चावल को आप जितनी अच्छे से भूनेंगे आपकी प्रेशर कुकर में चावल उतनी ही अच्छी खिली खिली बनेगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप इसे 15 से 20 मिनट तक भूनें। फ्लेम का भी बिल्कुल ध्यान रखें, लो फ्लेम पर ही भूनें और बीच बीच में से चलाते रहें। मसाले तो हमने पहले ही सारे मैरिनेशन के टाइम ही ऐड कर दिया है, अब हमें इसमें अभी कुछ भी ऐड नहीं करना है। बिल्कुल जब तले पर चावल गोल्डन गोल्डन चिपकने लगे जब तक हमें इसे भूनना है। और देखिए चावल भी हमारा बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। तो अब मैं इसमें 1 मीडियम साइज टमाटर, 2 हरी मिर्च, कोरिएंडर लीव्स कुछ और फिर 1 बड़े चम्मच देसी घी ऐड किया है। और आप इन सारी चीज़ों को ना लास्ट में ही डालें, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है घी का, साथ ही कोरिएंडर लीव्स और हरी मिर्च का ही फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। आपके पास हो तो आप ज़रूर ही ऐड करें। सारी चीज़ों की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी की क्वांटिटी चावल पे डिपेंड करती है कि आप कौन सा चावल यूज कर रहे हैं, कितना पानी हमें डालना है। तो यहाँ पे मैं बासमती राइस ली हूँ, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल 1 ग्लास के लिए 1.5 ग्लास पानी ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल चावल और पानी एक ही लेयर में है, उतनी ही पानी ऐड करें और फिर इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर हम 1 सीटी आने तक कुक होने देंगे। और जैसे ही हाई फ्लेम पर 1 सीटी आए आप इसके स्टीम निकाल दें और बहुत ही खिली खिली आपकी चावल बनकर तैयार होगी। जैसे ही ये ठंडी होएगी ना चावल और भी अच्छी से खिली खिली हो जाएगी। तो देखिए हमने गर्मा गर्म ही बिरयानी को सर्व कर लिया है, आप इसे गर्मा गर्म ही इंजॉय करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी यह रेसिपी आपको कितनी पसंद आई। और हमारी अगर रेसिपी आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही ऑल सेलेक्ट कर लें, इससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है या हमारा आइडिया आपको कैसा लगता है, या फिर हमें सजेशन भी दें कि मैं किस तरह की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखिए हमारी 1 पॉट बिरयानी कितनी खिली खिली, कितनी डिलीशियस, कितनी अमेजिंग दिख रही है। तो आप भी ज़रूर इस कटहल के सीजन में एक बार ज़रूर ट्राई करें और इतनी आसान रेसिपी है और साथ ही इतनी डिलीशियस, एक बार ट्राई करना बिल्कुल ही बनता है। तो जल्दी मैं मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।